सूखे भरवा आलू बैंगन तो हम हमेशा ही बनाते हैं, पर आपने कभी इस तरह का यमी सा मसालेदार ग्रेवी वाला आलू बैंगन की सब्जी बनाई है? अगर ना बनाई हो तो फिर इस बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और टेस्टी रेसिपी है और बनाने में तो झटपट से तैयार हो जाएगी और खाने वाले तो उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। पेट जरूर भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। फिर चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैंने लिए हैं ये 250 ग्राम छोटे वाले बैंगन। इन्हें इस तरीके से इनकी डंडी निकाल कर हम सेंटर से 4 कट लगाएंगे और चेक करेंगे कि बीच में कहीं कीड़ा ना हो। अब इन्हें हम पानी में डाल देंगे। और मैंने ये लिए हैं आलू 300 ग्राम छोटे वाले आलू। अगर छोटे वाले ना हो तो आप बड़े आलू को 4 टुकड़ों में काट के भी ले सकते हैं। अब इसके लिए हम एक सूखा मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने एक पैन में डाला है 3 बड़े चम्मच मूंगफली के दाने। इन्हें हम 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। फिर मैंने इसमें डाली है 2 सूखी लाल मिर्चें। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 3 बड़े चम्मच तिल और फिर इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच धनिया के दाने, आधा चम्मच जीरा। ये कुछ सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे और फिर इसमें मैं डाल दूंगी 2 चम्मच नारियल का बुरादा। अब कुछ सेकंड के लिए और भुनेंगे। उसके बाद फ्लेम ऑफ करके हम ये सूखा मसाला एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद हमें इनका एक दरदरा पाउडर बनाना है। अब एक कोई भी कढ़ाई या वेसल लेंगे, उसमें हम 1/4 कप तेल गरम करेंगे और उसके बाद मैं उसमें डाल दूंगी आलू। आलू को हमें 10 मिनट तक लो फ्लेम पर ढककर पकाना है। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें, कहीं जल ना जाए। और जब आलू 50% फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसमें बैंगन डाल देंगे और वापस से इन्हें ढककर हम 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम चेक कर लेंगे 10 मिनट बाद। देखिए बैंगन बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और साथ में आलू भी चेक कर लेते हैं। आलू भी बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और अब हम ग्रेवी बनाते हैं। अब जो तेल है, सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच हींग। साथ ही में इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा और अब हम इसमें डालेंगे 2 प्याज बारीक कटे हुए। के बाद मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज को थोड़ा ही फ्राई करना है हमें, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें मैं डालूंगी 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम 1 कटोरी ताज़ा दही डालेंगे। दही को पहले मैंने फेंट लिया था थोड़ा सा और दही आपको ताज़ा ही यूज़ करना है। अब कंटिन्यूसली करछी को चलाते रहेंगे ताकि दही फट ना जाए। अब ये देखिए दही भी पकना स्टार्ट हो गई है, तेल ऊपर आ रहा है। अब इसके बाद मैं इसमें 2 बड़े चम्मच जो हमने पाउडर बनाया था वो डाल देंगे और साथ ही में डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। और ये जो हमने पाउडर बनाया था मूंगफली तेल और सूखे मसालों का, अगर आप चाहें तो इन्हें 1 से 2 महीने के लिए एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। फिर जब भी कोई सब्जी बनानी हो आप उसमें 1-2 चम्मच डाल दीजिए, सब्जी का स्वाद बढ़ जाएगा। अब इसी तरीके से हम दही को भी पकने देंगे। अब देखिए तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें फ्राइड आलू और बैंगन डाल देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट तक हम इसी तरीके से आलू बैंगन को पकने देंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 4 हरी मिर्चें और आधा चम्मच गरम मसाला। अब ये सब्ज़ी बिल्कुल बन चुकी है, बट फिर भी सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं इसके लिए मैं इसमें 1/2 कप पानी और डालूंगी। और पानी डालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए ढककर हम सब्ज़ी को और पकाएंगे। अब 3 मिनट बाद देखेंगे कि सब्जी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। अब लास्ट में इसमें डाल देंगे बारीक कटा हरा धनिया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप आलू बैंगन बनाएं इसी तरीके से बनाएं, ताकि घर में भी सब तारीफ करेंगे और खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। अब इसे सर्व करते हैं। आप चाहें तो रोटी पराठे या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, या कोई गेस्ट आए तो ये सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि यूजुअली हम आलू बैंगन कम बनाते हैं, ज़्यादातर तो पनीर या मटर ही बनता है।
सो गाइज, आपको ये रेसिपी कैसी लगी वीडियो में लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप आगे भी इसी तरह की यूनिक और अमेजिंग सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।